हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली मेरी क्लासेस कल से सैटरडे से 9 बजे डेली वाईफाई स्टडी पर शुरू होने वाली हैं। तो वाईफाई स्टडी पर डेली रात में 9 बजे सभी बच्चे आप पहुंच जाना, बहुत मजा आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वीडियोस डिलीट हो गई हैं तो उनसे ये समझ लो कुछ चीजें कभी कभी होती हैं, तो आपके लिए आपको जितना बुरा लगा बुरा उतना ही मुझे भी लगा। बताऊंगा इसके बारे में आगे बात करें, बट अभी क्लासेस के बारे में बात करते हैं कि क्लासेस आ रही हैं तो 9 बजे से आएंगी डेली वाईफाई स्टडी पर। और शायद इसलिए भी ऐसा हुआ है, कुछ भी हुआ जो भी हुआ, बट कहीं ना कहीं मैं उससे बेहतर चीजें आपको दूंगा, क्योंकि जो भी चीजें नई ऐड हो रही हैं, जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम्स हो उन सभी को भी उसके अंदर इंक्लूड करके किस तरह के और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उससे और बिल्कुल अच्छे लेवल पर चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। और एक बात और कुछ थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं, जैसे कुछ मैक्सिमम तो ये कहते हैं सर आप अच्छे हो, चलो वो तो अच्छा लगता है, बट कुछ बच्चे कहते हैं आप बुरे भी हो। तो देखिए, ऐसा है कि अच्छा हूं मैं या मैं बुरा हूं उससे बताइए आपको क्या फायदा है? कुछ भी नहीं होगा फायदा, बट हाँ, सिर्फ फायदा आपको तभी है जब मैं अच्छा पढ़ाऊं और आप एक अच्छी जॉब लेकर अपने पेरेंट्स को खुश रख सको। क्योंकि मुद्दा क्या है कि एक अच्छी जॉब लगे और एक आप अच्छी लाइफ जियो, और वो तभी जी पाओगे जब आप अच्छा पढ़ोगे और मैं अच्छा पढ़ाऊंगा। देखो, मेरी अगर लाइफ अच्छी मुझे अगर रखनी होगी, भाई मैं बेस्ट टीचर बनूंगा और आपको आप बेस्ट स्टूडेंट बनकर जल्दी से जल्दी जॉब लोगे। तो आपका सिर्फ एक ही एम रहना चाहिए कि मैं अच्छा हूं बुरा हूं, इस पर सोचने से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस करो, ठीक है। हाँ, अच्छा लगता है अगर आप अच्छे कमेंट करते हो, बट मेरा मानना यह है कि आप बिल्कुल पढ़ाई सबसे मेन है, आपकी जॉब और उससे जरूरी है पेरेंट्स, पेरेंट्स से पहले कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में जैसे कि मैसेज आते हैं तो थोड़ा पढ़ते हैं, तो अभी कल से तो ऐसे क्लास लूंगा तो फिर तो बिल्कुल बिजी हो जाऊंगा, पर मैसेज आता है कि सर आपने क्यों कर दी डिलीट। वैसे तो आपको मैं एक बात बताऊंगा, कोई भी टीचर, मैं नहीं अपनी कह रहा, कोई भी टीचर जब उसकी वीडियो पे मिलियंस में व्यू आते हैं, कोई भी टीचर जब उसे इतने सारे बच्चे प्यार करते हैं तो उसे हमेशा अच्छा लगेगा। अगर आपके आसपास भी कोई होगा टीचर तो उसे भी अच्छा लगेगा। और ऐसा ही जब मैंने मेहनत करके आपको पढ़ाया और उससे आपको ही फायदा हुआ और मिलियंस में व्यू आए मेरे, तो मुझे अच्छा लगा। बट आप खुद बताओ, मिलियंस में व्यू होने पर मुझे अच्छा लगा तो क्या मैं उस वीडियो को डिलीट करूंगा? तो जब जितना अच्छा लगा था उससे ज्यादा मुझे बुरा भी लग रहा है कि भाई मिलियंस, जिस वीडियो पर मिलियंस में व्यू थे वो डिलीट हो चुकी है, तो उस पे से आप नमक छिड़क देते हो कि सर आपने डिलीट क्यों कर दी। तो मेरे भाई देखो, हाँ यह है कि देखो आप वहां पे आपको नहीं पता कि क्या चीजें चल रही हैं, बट यही है कि वो वीडियोस मेरी तरफ से डिलीट हुई। बट मुद्दा ये नहीं कि आपको ही बुरा लग रहा, बुरा मुझे भी लग रहा, बट अब इस जो भी थोड़ा सा मुझे दुख है उसको मैं इतना बेहतर तरीके से आपको और उसमें भी इतनी अच्छी चीजें जोड़कर देने वाला हूं कि आपको एक अलग ही लेवल पर मजा आएगा। आप कहोगे कि ये ज्यादा बेहतर हो गया, मतलब कभी कभी बुरा होने के बाद भी कुछ अच्छा उसमें से निकल कर आता है, तो मैंने अच्छा ढूंढा। मैं भी दुखी हो सकता था यार कि मेरे व्यूज, इतनी व्यूज वाली वीडियोस डिलीट कर दी गई, बट अब मुझे थोड़ा सा अंदर से खुशी हो रही है कि नहीं, मैं उसमें एक नई चीजें और ऐड करके और बच्चों के और ज्यादा से ज्यादा चीजें पहले भी जॉब दिलवाई और बच्चों के लिए अभी भी दिलवाते रहेंगे। और आपका सिर्फ मेन एम होना चाहिए, जॉब लो, पेरेंट्स को खुश रखो और अपनी लाइफ को अच्छा करो। तो कल से डेली 9 बजे रात में वाईफाई स्टडी पर मिलना है, सभी को पढ़ना है, चाहे मैं इस कमरे में पढ़ाऊं चाहे मैं उस कमरे में। आपका मुद्दा होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई का और जॉब लेने का, ठीक है। तो कल से रात में डेली 9 बजे वाईफाई स्टडी पर, ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, सभी बच्चे मिलेंगे 9 बजे। सभी को ये वीडियो शेयर कर देना कि कल वाईफाई स्टडी पर 9 बजे मेरी रात में क्लास होगी और क्लासेस एक नंबर की, मजा आने वाला आपको। ऑल द बेस्ट।